जरा सोचिए, आप एक स्पेसक्राफ्ट में बैठे और ये स्पेसक्राफ्ट जा रहा है चांद पर। स्पेसक्राफ्ट चलता है और फिर वो स्पेसक्राफ्ट चांद के पर्सनल स्पेस स्टेशन पर रुकता है। वहां से आपको एक चंद्र टैक्सी सर्विस पिक करती है और ये चंद्र टैक्सी आपको चांद के घर तक ले जाती है। और फिर जैसे ही आप उस टैक्सी का दरवाजा खोलते हो, आप सीधा अपने आप को चांद पर मौजूद एक घर में पाते हो। रुकिए, ये सपना नहीं, सच है। अमेरिका का नासा 2025 तक इसको सच में बदल देगा। ये सिर्फ अगले 5 सालों में यानी 2030 तक होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के नासा ने आर्टेमिस प्रोग्राम जो बनाया है। आर्टेमिस लेआउट के अनुसार अगर आप नासा के इस आर्टेमिस यान में चांद पर गए तो पृथ्वी से चलने के बाद 2 दिन बाद आप चांद पर होंगे। सबसे पहले आपका स्पेसक्राफ्ट चांद के पर्सनल ISS लूनर गेटवे से जुड़ेगा, फिर उससे जुड़ा हुआ एक लूनर लैंडर आपको चांद की सतह पर मौजूद प्राइमरी लैंडिंग जोन तक ले जाएगा। इस लैंडिंग जोन के पास प्रेशराइज्ड लूनर रोवर आपको ले जाने के लिए पहले से तैयार होगा। वो आपको करीब 500 से 600 मीटर दूर मौजूद एक लूनर कॉलोनी तक लेकर जाएंगे। ये चंद्र रोवर सीधा जाकर जुड़ेगा चांद पर मौजूद एक हैबिटेट से और आप एक सुरंग के माध्यम से चांद पर मौजूद घर में पहुंच जाएंगे। वहां जाते ही सबसे पहले देखेगा एक सुंदर सा घर जो बिल्कुल पृथ्वी के घर जैसा दिखेगा। आप स्पेस सूट उतारेंगे और आनंद ले पाएंगे उन सब सुख सुविधाओं का जो पृथ्वी पर मौजूद घर में होती हैं। बस अंतर इतना है, अब आप पृथ्वी पर नहीं चांद पर हैं। जी हाँ, ये सपना नहीं, सच है। इसको हकीकत में बदलेगा नासा, और नासा के इस पूरे प्रोग्राम का नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत नासा चांद के लिए 3 मिशन लॉन्च करेगा, आर्टेमिस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आर्टेमिस फर्स्ट 16 नवंबर 2022 को लॉन्च होकर 11 दिसंबर 2022 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर आ चुका है। आर्टेमिस सेकंड के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा हो चुकी है। इसको अगले साल 2024 तक पहुंचाने का प्लान है। फिर बारी आएगी आर्टेमिस थर्ड की, जो 2025 तक लॉन्च होगा और इसी के तहत करीब 53 सालों बाद इंसान वापस से चांद पर कदम रखेगा। आइए इस वीडियो में नासा के इस पूरे प्रोग्राम आर्टेमिस को अच्छे से समझाएंगे और बताएंगे कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नासा इंसानों को ले जाकर ऐसा क्या करने वाला है जिसकी चर्चा अभी से पूरी दुनिया में हो रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है आर्टेमिस प्रोग्राम। साल 1972 में अपोलो 17 के बाद से कोई इंसान चांद पर नहीं गया है। ऐसे में नासा दोबारा चांद पर मानव मिशन भेजने के लिए कमर कस चुका है। नासा की ऑफिशियल वेबसाइट की माने तो वो 2025 में आर्टेमिस मिशन को चांद की सतह पर उतारने वाला है। इस मिशन के अंतर्गत पृथ्वी की सबसे पहली महिला को चांद पर उतारा जाएगा। इससे पहले साल 1969 से 1972 के बीच नासा ने कई अपोलो मिशन्स चांद पर भेजे थे। हालांकि इन सभी मिशन्स में केवल पुरुष ही शामिल थे, उनमें कोई महिला एस्ट्रोनॉट नहीं थी। आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत पहला मिशन लॉन्च हो चुका है, नाम है आर्टेमिस फर्स्ट। इसमें कोई इंसान को नहीं भेजा गया है, बल्कि एक रोबोट को भेजकर ये टेस्ट किया गया है कि ये रॉकेट चांद तक इंसानों को भेजने में सफल रहेगा या नहीं। नासा का ये पहला प्रयास सफल रहा। ये चांद पर नहीं उतरा, बल्कि उसके चारों ओर चक्कर लगाकर वापस लौट आया। आर्टेमिस फर्स्ट का लॉन्च 16 नवंबर 2022 को अमेरिकी समय अनुसार रात 1:47 पर कैनेडी स्पेस स्टेशन से दुनिया के सबसे ताकतवर SLS रॉकेट से लॉन्च किया। ये रॉकेट
इतना ताकतवर है कि SLS रॉकेट जब कैनेडी स्पेस स्टेशन से लॉन्च हुआ तब आसपास का इलाका रोशनी में बदल गया था। इस रॉकेट को 5 सेगमेंट वाले बूस्टर से लॉन्च किया गया था जिनमें से 4 में RS-25 एंजिन लगे थे। ये एंजिन बेहद आधुनिक और ताकतवर हैं। इस रॉकेट ने मात्र 90 सेकंड में वायुमंडल को पार कर लिया था। आर्टेमिस फर्स्ट चंद्रमा के चारों तरफ अपनी 25 दिन और 10 घंटे से ज्यादा की यात्रा पूरी करके 11 दिसंबर 2022 को धरती पर वापस लौट आया। प्रशांत महासागर में गिरने के बाद इसे कैनेडी स्पेस स्टेशन ले जाया गया जहां पर उसकी जांच पड़ताल हो रही है, क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट में अंदर एक मैनेक्विन बिठाया गया था जो कि एक इंसान के आकार का पुतला है। इस पर कई तरह के यंत्र लगे थे जो शरीर के मानकों को ध्यान में रखकर लगाए गए थे। अब 2024 में आर्टेमिस सेकंड भेजा जाएगा। आर्टेमिस सेकंड में इस बार 4 इंसानों को भेजा जाएगा, लेकिन इस बार भी ये इंसान चांद पर नहीं उतरेंगे बल्कि उसके चारों ओर चक्कर लगाकर वापस लौट आएंगे। आर्टेमिस सेकंड मिशन के लिए नासा ने 4 एस्ट्रोनॉट्स का चयन कर लिया है। ये हैं नंबर 1 क्रिस्टीना एच कोच, मिशन स्पेशलिस्ट, अमेरिका। नंबर 2 जेरेमी हैंसन, मिशन स्पेशलिस्ट, कनाडा। नंबर 3 विक्टर ग्लोवर, पायलट, अमेरिका। नंबर 4 ली वाइजमैन, कमांडर, अमेरिका। ये एस्ट्रोनॉट्स अगले साल के शुरुआत में चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाकर वापस धरती पर आएंगे। अपोलो मिशन के 50 साल से ज्यादा समय के बाद कोई इंसान चंद्रमा तक जाएगा। आर्टेमिस 2 एक फ्लाई बाय मिशन है, यानी एस्ट्रोनॉट्स ओरियन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाकर धरती की तरफ वापस चले आएंगे। इन चारों एस्ट्रोनॉट्स में एक कनाडा के हैं, बाकी 3 अमेरिका के हैं। 5 दशकों से ज्यादा समय के बाद आर्टेमिस 2 चांद की पहली इंसानी यात्रा होगी, लेकिन इस दौरान चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स की लैंडिंग नहीं होगी, यानी ये चारों एस्ट्रोनॉट्स चांद पर अपने कदम नहीं रखेंगे। आर्टेमिस 2 की यात्रा करीब 42 दिन की होगी। इस दौरान यान और एस्ट्रोनॉट्स करीब 21 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा। वापस लौटते समय लैंडिंग प्रशांत महासागर में कहीं कराई जा सकती है। इस मिशन की सफलता के बाद आर्टेमिस 3 मिशन 2025 में भेजा जाएगा जिसमें जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स चांद पर कदम रखेंगे। इस मिशन की खास बात यह है कि नासा के एस्ट्रोनॉट्स केवल चंद घंटे चांद की सतह पर बिताकर वापस नहीं आएंगे बल्कि वे लंबे समय तक वहां पर ल्यूनर बेस बनाकर रहने वाले हैं। इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह का बारीकी से अध्ययन करेंगे। नासा का प्लान है कि वो चांद पर माइनिंग भी करेगा। आपको बता दें कि मून की सतह पर प्लेटिनम, सिलिकॉन, आयरन, टाइटेनियम, अमोनिया आदि जैसे कई बेशकीमती खनिज पदार्थ मौजूद हैं। इसके पश्चात चांद की सतह पर ल्यूनर बेस या ल्यूनर विलेज को तैयार किया जाएगा। ल्यूनर बेस को बनाने में बड़ी मात्रा में कार्गो की जरूरत चांद पर पड़ेगी। इस कारण आर्टेमिस मिशन भविष्य में काफी खर्चीला होगा। इसके खर्चे को कम करने के लिए नासा ने ल्यूनर गेटवे का कॉन्सेप्ट सबके सामने रखा है। लूनर गेटवे एक तरह का स्पेस स्टेशन होगा जो चांद के चक्कर लगाएगा, जैसे अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, ऐसे ही ये चांद का स्पेस स्टेशन होगा। चांद पर भेजे जाने वाले सभी स्पेसक्राफ्ट को लूनर गेटवे से जाकर जुड़ेंगे और फिर उससे जुड़ा हुआ एक लूनर लैंडर आपको चांद की सतह पर मौजूद प्राइमरी लैंडिंग जोन तक ले जाएगा जो चांद के साउथ पोल पर होगी जहां अभी हमारा चंद्रयान 3 गया हुआ है। ल्यूनर गेटवे में ईंधन पर आने वाला खर्चा काफी कम हो जाएगा। फिलहाल जो प्लान है उसके मुताबिक एस्ट्रोनॉट्स को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा जाएगा जहां पर वो 2 हफ्ते बिताएंगे।
इस दौरान चंद्रमा पर पानी की खोज की जाएगी। अगर पानी मिलता है तो चांद से मंगल के लिए रॉकेट लॉन्च किए जा सकेंगे। यानी धरती से मंगल के बीच चंद्रमा एक मिडवे की तरह इस्तेमाल होगा। इंसानों को स्थायी तौर पर चंद्रमा पर रहने के लिए रहने की जगहें बनानी होगी, जिसके लिए खनन करना होगा। इसके अलावा कई तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करने होंगे। नासा ने कहा कि ये हमारा पहला कदम है इंसानों को चंद्रमा पर टिकाने की। अगर एक बार सफलता मिल गई तो चांद पर हम इंसानी बस्ती बसा देंगे। आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।